हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायसा किचन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तिल गुड़ के लड्डू। तो खाने में बड़े ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो फ्रेंड्स, तिल गुड़ के लड्डू हम इस तरीके से बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपके लड्डू कभी भी हार्ड नहीं बनेंगे और ये लड्डू खाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी है और खाने में टेस्टी भी लगते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे देसी तिल लिया है और देसी तिल लेके हमने तिल को साफ़ कर लिया है। और दो तरह की तिल आती है, एक देसी तिल आती है जो हमने यहाँ पे ली हुई है और एक सफ़ेद रंग की तिल आती है धुली हुई, के बहुत सारे व्यंजन बनते हैं वैसे, मगर मकर संक्रांति पे ये ज़्यादा खाए जाते हैं जो तिल के लड्डू बनते हैं। आधा किलो तिल लिए और आधा किलो गुड़ लिया है हमने तिल के लड्डू बनाने के लिए। टेबल स्पून इलायची पाउडर, 15 से 20 काजू लिए थे हमने जिनको दो टुकड़ों में काट लिया है। 15 से 20 ली थी हमने बादाम, बादाम को भी हमने हल्का सा दरदरा सा कूट लिया है। साथ ही ले रहे हैं हम 2 चम्मच घी। और यहाँ पे मैंने फ्रेंड गैस कर दी ऑन और गैस पे रख दी कढ़ाई। और अब इसमें हम हमारे तिल जो है उन्हें सेक लेंगे। तिल में से हमारी चटकने की आवाज़ आ रही है, हल्का सा ब्राउन कलर होगा तब इसे हम उतार लेंगे। और तिल हमारी सिक चुकी है और अब तिल को निकाल लेंगे हम और ठंडा होने के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ पे सारे तिल निकाल लिए प्लेट में और गैस को हमें बंद नहीं करना है। इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच घी और घी गर्म हो चुका है और इसमें गुड़ ऐड कर देंगे हम। गुड़ हमने तोड़ के रखा था, गुड़ को आप तोड़ के रखें और जितना हो सके उतना बारीक टुकड़ों में तोड़ें ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। गुड़ को मेल्ट कर लेंगे और गुड़ को आप बारीक टुकड़ों में रखें तो ये जल्दी मेल्ट होगा। गुड़ तो हमारा इसमें मेल्ट हो चुका है अच्छे से, बिल्कुल भी इसमें डले नहीं है। और अब इसमें जब ऊपर झाग आने लगेगा, जैसे ये साइड में आ रहा है, अगर इसमें पूरे में अच्छे से आ जाएगा तो हमारी ये गुड़ की चाशनी बन के तैयार हो जाएगी। और अभी हम चेक करने के लिए इसे पानी में डाल के देखेंगे, अगर ये जम जाएगी तो ये बन गई है। ये झाग इसमें पूरी तरफ आने लगे हैं और गैस कर देंगे बंद। कर देंगे हमें हमारे यहाँ काजू, बादाम, इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, तिल। और तिल डालते के साथ ही हमें इसे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो गुड़ हमारा जो है ठंडा हो जाएगा और लड्डू हमारे बन नहीं पाएंगे, क्योंकि गुड़ ठंडा होते ही जमना चालू कर देगा। तो इसे में डालेंगे अच्छी तरह। गैस हमने बंद कर दी है। गुड़ की जो चाशनी थी उसमें तिल मिला लिए अच्छे से और अब इसे हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे लड्डू बनाने के लिए। और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब ये थोड़ा गर्म है, हल्का सा ठंडा हो चुका है तो अब हाथों को ग्रीस करके, हाथों को हम घी से ग्रीस कर लेंगे, उसके बाद इसके लड्डू बनाएंगे। इस तरह से रोल करना है, इसको गोल गोल घुमाना जैसे हम बाटी बनाते हैं, और ये इस तरह से बनेगा। और इसको यहाँ रख देंगे प्लेट में। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे और हाथों को ग्रीस कर लें आप घी से, ताकि जो ये तिल और गुड़ है हाथों पे चिपकेगा नहीं। साइज आप चाहें बड़ा रखना चाहें तो बड़ा, और अगर आप चाहें छोटा साइज रखना। यहाँ पे सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए फ्रेंड्स और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं बनेंगे अगर आप इस तरह से गुड़ की चाशनी बनाते हैं तो। गुड़ की चाशनी बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि गुड़ को ज़्यादा पकाना नहीं है और आपको उसमें पानी ऐड नहीं करना है, तो आपके लड्डू जो है बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये लड्डू बनाने का तरीका कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलिए।